आपको मुफ्त में चावल नहीं चाहिए, 5 किलो कांग्रेस इधर 10 किलो। नहीं, मुफ्त में चावल नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारा मुद्दा है रोजगार चाहिए। अब 75 साल भाई हम लोग बाद भी हम लोग उसी लाइन में लगे रहेंगे तो हम लोग रोजगार, हम लोग स्वावलंबी कब बनेंगे? जोहार, अभी जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हुए हैं और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के हकाई गांव में हम आए हुए हैं। यहां कुछ लोग मिले हैं जो इस इमली के पेड़ के नीचे हैं, जो छाया है अच्छा से यहां लोगों को हमें मिला है। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहां ये लोग किसको सपोर्ट करने वाले हैं और यहां के लोग क्या क्या सोच रहे हैं, तो आज इनसे आज जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप आइए, अपना परिचय दीजिए, तो आपका नाम बताइए हमें। जोहर, मेरा नाम दौलत सिंह सरदार है और मैं हकाई ग्राम वासी हूँ। अच्छा, हकाई, आप यहीं के? जी। अब क्या करते हैं? हम तो फिलहाल अभी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं जी। तो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आप किस तरह सोच रहे हैं, इस बार आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग यहाँ से? हमारे यहाँ तो बहुत पहले से बस दो ही पार्टी चल रही थी, जैसे कि JMM और BJP। लेकिन हाल ही में जो जैसे ही लोकसभा का जो नामांकन हुआ उसमें हमारे गांव में एक जुझारू कर्मठ युवा आए थे, उनको जानते थे और हमारे दोस्त भी हैं, तो हमारे गांव हुए दौरे पे आए थे सुकुमार सोरेन जी, जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो उनका जो मुद्दा था वो काफ़ी हमारे जो गांव के लिए और हमारा सभी जो आदिवासियों के हित में सारे मुद्दे बहुत ही आवश्यक मुद्दे थे। जैसे कि वे पैसा पे बात कर रहे थे, फिर 241 अनुच्छेद पे बात कर रहे थे जिसमें हम लोग का स्थानीय का जो भी है अधिकार सब के लिए वो बात कर रहे थे। फिर साथ में हमारा जो परंपरागत स्थान माने शासन व्यवस्था है उस पर भी बात कर रहे थे। फिर जैसे काफ़ी ज़्यादा तक जैसे कि जल जंगल जमीन को बचाने लेकर उनका मुद्दा से भी हमें लगा कि ये बिल्कुल सही पार्टी है अभी, और ये जबकि अभी नई पार्टी है तो हमें भी हमेशा से तो हम लोग जैसे JMM हो BJP हो बहुत सालों से चल रही है, पर हम लोग देख पा रहे हैं हमारे हित में काम करने जैसे सक्षम पार्टी अभी तक आई नहीं है। तो हमें भी हमेशा बोलते हैं ना, कभी भी बदलाव अगर चाहिए तो हमें ऑप्शनल फिर कुछ नया भी चुनना चाहिए। अच्छा। किसी और को भी मौका देना चाहिए। इस बार होने से आप लोग क्या सुकुमार सोरेन को जिताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जी जी जी, इस बार क्योंकि एक हमारे तो वो मित्र भी हैं, साथ में उनके जो मुद्दे हैं वे काफ़ी जो सशक्त वाले मुद्दे हैं, जो यही एकदम विकास आधारित मुद्दे हैं। तो हमें हकाई ग्राम के हमें युवा मिले हैं जो BJP और झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग एक भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कुमार सोरेन को ये सहयोग करने की बात कर रहे हैं। तो आपने BJP और JMM में क्या ऐसा नहीं देखा जो आपने एक नया अभी भारत आदिवासी पार्टी सुकुमार सोरेन आया है उन्हें आप सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या आपको BJP और JMM में नहीं मिला? अब देखिए, जैसे BJP है वे बात तो करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे दावे, उनके जो मुद्दे भी हैं, मुद्दे जो होते हैं हमें कभी कभार लगता है किस प्रकार के जो मुद्दे ले रहे हैं हमारे हित के लिए भी कभी हमें हम संतुष्ट नहीं रहते उनके मुद्दे से। मान रहे हर चीज़ है लेकिन हमारे लिए जैसे कि अभी हम लोग इधर उधर कॉन्ट्रैक्ट पे रोज़गार कर रहे हैं, जो शिक्षा का स्तर देख रहे हैं, शिक्षा हम लोग बोलेंगे तो पहले की जो 90वीं सदी में जो थे हमारे पिताजी लोगों का जो वक्त शिक्षा हुआ करती थी प्राथमिक विद्यालय सब का सरकारी स्कूल सब में, अभी उस हिसाब से शिक्षा नहीं हो पा रही है। बच्चे को जितना सुविधा मिल रही है उसके बावजूद भी शिक्षा का जो रेशियो अगर हम लोग वहाँ पहले के ज़माने के वाले लोगों से जो अगर कंपेयर करें तो वो बहुत थोड़ा कम है। और अभी क्या है जैसे स्कूल भी है, स्कूल में 5वीं कक्षा तक भी अगर प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ बस 2 ही टीचर हैं, ये सब भी तो, और फिर ऊपर से जो शिक्षा पे जो टैक्स लग रही है उस पर भी ये सब पे भी तो सरकार को पहले तो शिक्षा से ही देश दुनिया चल सकती है। चलिए, आप और एक युवा साथी हैं हमारे साथ, आपका परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अरूप सरदार है
और मैं इसी ग्राम के हैं जी। मैं इसी इलाके ग्राम का हूँ। तो आप क्या करते हैं जी? मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ अपने समाज के ऊपर। सामाजिक कार्य। तो इस बार का लोकसभा चुनाव में आप किस तरह सोचते हैं, किसको सहयोग कर रहे हैं इस बार? जी हमारा इस बार का जो मुद्दा है, जो बहुत सारे पार्टियां हैं जो बड़े स्तर पर काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर काम करती है, लेकिन वो हमें जो हम लोग जो निचले दबे कुछ लोगों पर ध्यान नहीं देती है। तो हमारा इस बार का जो उद्देश्य है कि हम लोग एक ऐसे नेता को चुनेंगे जो हमारे मुद्दों और हमारी समस्याओं पर काम करेंगे, तो ऐसे नेता को हम लोग चुनने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने क्या ऐसे नेता अभी तक मिला है आप लोगों को? जी जी हमारे बीच आए थे सुकुमार सोरेन जी, जो उनके बातों को हम लोगों ने बहुत भली भांति समझा, बहुत सारे विषयों पर गौर किया, तो देखा और पाया कि हाँ इनमें वो बात है जो बाकियों में वो बात नहीं है। क्योंकि जो देखा जाए बाकी पार्टी वो अपने स्तर की बात करती है, एक दूसरे को हुड़पेंच करती है, इसको दोष मानती है, वो उसके दोष मानती है। कि आज तक जो देखा जाए देश आज़ाद हुए 75-76 साल हो गया, लेकिन आज तक विकास से हम लोग आज भी वंचित हैं। तो बीजेपी से यहाँ संसद हैं, तो क्या आप लोग को नहीं आया था इस गांव या झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं आया था? आया था कि नहीं वो लोग? नहीं, ऐसे नहीं कि नहीं आते, आते हैं, लेकिन उनकी अपनी समस्या है, कोई अब बुलाएंगे तो तभी आएंगे, नहीं तो ऐसे उनके पास अपने लिए भी समय नहीं होता है कि अपने क्षेत्र का भ्रमण करें। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो देखा जाए तो मतलब उन लोग का अपने अपने स्तर पर जिनका जिनके साथ उनका उठना बैठना होता है, जिनके साथ उनका चंदा धंधा मॉडल चलता है, तो उन्हीं लोग साथ उनका उठना बैठना होता है। हम लोग को छोटे लोगों का कोई ध्यान नहीं देता है। अब देखा जाए तो आज भी अगर बीजेपी की बात किया जाए तो आज भी 75 साल के बाद भी हम लोग को अपने मैनिफेस्टो में दिखा रहा है कि 5 साल मुफ्त में चावल देंगे। तो हम लोग को भी पता आपको मुफ्त में चावल नहीं चाहिए, 5 किलो कांग्रेस इधर 10 किलो नहीं, मुफ्त में चावल नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारा मुद्दा है रोजगार चाहिए। अब 75 साल भाई हम लोग बाद भी हम लोग उसी लाइन में लगे रहेंगे तो हम लोग रोजगार, हम लोग स्वावलंबी कब बनेंगे? मोदी सरकार ने बनाया स्टैंड अप इंडिया, इसके बाद PMEGP वगैरह कुछ लोन के माध्यम से कर रहा होगा, वो तो आप मिला है आपको? वैसे तो हम लोग शिक्षित युवा हैं और भी मेरे भाई बंधु हैं यहाँ, लेकिन किसी को अभी तक इन योजनाओं से जुड़ा नहीं गया है, या तो फिर जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है, या जो भी योजनाएं चल रही है वो धरातल पर दिखी ही नहीं है। वो अपने स्तर पर किया गया है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जो भी हो, मुद्रा लोन, जो बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई थी मोदी सरकार द्वारा, लेकिन वो अभी तक हवा हवाई साबित हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ युवा हैं, युवा मुद्दों को लेकर हैं, और इसके साथ इन्हें रोजगार चाहिए। 5 किलो 10 किलो इन्हें अनाज के बदले इन्हें रोजगार चाहिए इनका।